आपने डिजिटल पेमेंट कई बार किया होगा, लेकिन क्या आपने किसी भिक्षुक को डिजिटल भीख दिया है? यदि नहीं दिया तो अब डिजिटल भीख देने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल भिखारी भी अब डिजिटल पेमेंट लेने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के झुनझुन बाबा की। जी हाँ, झुनझुन बाबा ये अभी काफ़ी सुर्खियों में हैं। उनका पेटीएम से भीख मांगने का वीडियो बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से वायरल हो रहा है। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के क्षेत्र सुर्खी के ग्राम खमकुआ निवासी ये झुनझुन बाबा सागर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में डिजिटल तरीके से भीख मांगते दिखे। सागर के पुराने कलेक्ट्रेट में घूम रहा शख्स खुद को झुनझुन बाबा कहता है। इसने भीख मांगने को एक नया दर्जा दिया है। लेन देन के डिजिटलाइजेशन का पूरा फायदा उठाकर लोगों से वे पेटीएम से भीख मांगते हैं। नगद नहीं है हमारे पास। पेटीएम कर लो ना। कहाँ काय में करना चाहिए? नंबर है ना, कहाँ लिखो? 88 27 56 01 25। फिर आप कैसे निकालो? आप झुनझुन बाबा कहते हैं कि वह हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भीख मांगते हैं। उनके पास करीब 50 लाख रुपए नगद और कई जगह जमीन और मकान आदि हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि फुटकर पैसा नहीं है तो बाबा तत्काल पेटीएम करो का उपाय बता देते हैं। बाबा ने बताया कि उनके पास इंदौर और सागर में जमीन है, खमकुआ में खैर माता का मंदिर और कुएं की जमीन आदि है। यह सब उन्होंने भीख मांग कर कमाया है। बाबा कहते हैं कि इतना पैसा जोड़ा है, इसमें क्या गलत है? उन्हें हेलीकॉप्टर खरीदना है। झुनझुन बाबा ने भीख मांगने के अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया है। बता दें कि एक मामला बिहार के बेतिया स्टेशन से भी सामने आ चुका है। यहां एक भिखारी क्यूआर कोड गले में लगाकर घूमता रहता है। जिस किसी के पास खुला रुपया ना हो तो उसे डिजिटल पेमेंट कर देने को कहता है। डिजिटल पेमेंट का यह रूप लोगों को काफ़ी भा रहा है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लोग झुनझुन बाबा को देख रहे हैं।